गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी, मटन के खीमे के समोसे, क्रिस्पी यमी समोसे। और उसके साथ ही साथ मैंने एक सिंपल सी रेसिपी भी शेयर की है, जो कि है प्याज और मिर्च के पकोड़े या फिर भजिया कह लो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी, रमज़ान स्पेशल रेसिपी, अच्छी लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे पूरा देखेंगे और इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। खीमे के समोसे बनाने के लिए गाइस, सबसे पहले हमें खीमा रेडी करना है। सो ये देखिए, मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं हल्का सा तेल लूँगी। ज़्यादा तेल नहीं लेना है हमें, क्योंकि हमें ये फिलिंग बनानी है समोसे की, तो ज़्यादा चिकना नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने थोड़ा सा ही तेल लिया है, 2 चम्मच के इतना। अब इसमें मैं डालूंगी, एक कांदा लिया है, फाइन चॉप किया है, 7-8 हरी मिर्च ली है, उसे भी फाइन मिंस कर लिया है, और खीमा 1/2 किलो लिया है, उसे भी मिंस किया हुआ लिया है। सो हम सबसे पहले कांदा डालेंगे। तेल ज़्यादा नहीं लीजिएगा गाइस, नहीं तो ये बहुत चिकना हो जाएगा और प्लस से फिलिंग में फिल नहीं कर पाओगे आप समोसे में, क्योंकि बाहर निकलेगा बहुत ज़्यादा तेल। इसके लिए हल्का तेल ही यूज़ करते हैं इसमें, क्योंकि ये फिलिंग है समोसे की। फिलिंग हाई करके इसे पहले सौते कर लेंगे, एकदम ब्राउन नहीं करना है इसे, बस नरम हो जाए इतना करें, पिंकिश में ही रखेंगे। ये देखिए, बस इतना ही हमें इसे सौते करना है। अब मैं इसमें खीमा ऐड करूँगी। खुद ब खुद पानी छोड़ेगा फ्रेंड्स, तो ये नहीं चिपकेगा नीचे। ये देखिए गाइस, खीमा ने अच्छा पानी छोड़ दिया है, इसे हमें अच्छे से सुखा लेना है। ये देखिए गाइस, पानी ऑलमोस्ट सूख गया है, और जो थोड़ा बहुत है वो सूख जाएगा। तो अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। देखिए, मैंने थोड़ा सा डाला है, 1/2 टीस्पून के इतना, क्योंकि 1/2 किलो ही है खीमा इसके लिए। इसे 2 मिनट सौते कर लेंगे, ताकि अदरक लहसुन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए, तो पक जाए। ये देखिए गाइस, हो गया। अब मैं इसमें जो हरी मिर्च मैंने मिक्स करके रखी है वो ऐड कर दूंगी। ये मैंने 7 से 8 ली थी। इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करूंगी, ये ऑप्शनल है। अगर आपको इसे वाइट रखना है तो आप हल्दी ना ऐड करें, मुझे इसमें थोड़ा सा येलो कलर चाहिए, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, वो भी मैंने थोड़ा ही लिया है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करी, 1 टीस्पून के इतना, इसे मिक्स कर लें। ये मैंने हरी मिर्च वाला बनाया है फ्रेंड्स, इसे लाल मिर्च में भी आप बना सकते हो, तो आप हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर लें, या क्रश्ड लाल मिर्च यूज़ कर लें, आपके ऊपर है। ये मेरे घर में हरी मिर्च वाला बनता है, सो मैंने वो बनाया है। ये देखिए गाइस, हमारे समोसे की फिलिंग रेडी है, कीमे की फिलिंग रेडी है। अब इसे मैं गार्निश करूँगी कोथमीर और पुदीने से। ये देखिए फ्रेंड्स, समोसे की कीमे की फिलिंग रेडी है, अब हम समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने एक छोटा सा बोल लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच के इतना मैदा लिया है, और इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसे गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमें गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। ये बन गया हमारा गाढ़ा पेस्ट, थिक पेस्ट बन गया है। ये देखिए कितना थिक है, ऐसे हमें चाहिए, ये हमारा ग्लू का काम करेगा। खीमे के समोसे के साथ गाइस, मैं भजिए भी बना रही हूँ कांदे और हरी मिर्च के। सो ये देखिए, ये तो बहुत सिंपल रेसिपी होती है, आएगी सबके घर में बनती, बट अब मैं बना ही रही हूँ तो शेयर भी कर रही हूँ आपके साथ दोनों रेसिपीज। सो इसके लिए मैंने 4 कांदा चॉप किया है, और अब मैं इसमें चॉप करके रख दिया है अभी फ़िलहाल। सो इसे रखते हैं, पहले हम समोसे रेडी करते हैं, फिर मैं आपको उसकी भी रेसिपी बताऊँगी। ये मैंने समोसे की पट्टी ले ली है, इससे हम पहले ये जो हमने पेस्ट बनाया है ये हम यहाँ पे लगा लेंगे, उंगली की मदद से करेंगे तो बेटर है ऐसे, ठीक है।
सो अब इसे हम ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे स्टिक कर देंगे। ये हो गया स्टिक, अब ये ऐसे बन गया है पॉकेट। अब ये जो हमने कीमे का मिक्सचर बना के रखा था वो ऐड करेंगे इसमें। बस देखिए मैंने इतना फिल कर दिया है इसे। अब मैं इसे फिर से नीचे रख के दिखाऊंगी ताकि आप लोग को इजी हो देखने में। इसे मैं यहाँ लगा दूंगी। इसे पकड़ के ये देखिए ये ऐसे फोल्ड करेंगे हम। एंड देन ये लास्ट पॉइंट से लेना है आपको, तो यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है तो इसलिए ये पहले फोल्ड करेंगे। ये साइड का पहले नहीं, ये साइड का पहले करेंगे। और यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रास बच गया है इसे भी हम ऐसे पेस्ट लगा के कवर कर लेंगे। और अगर ये ऐसे ओपन पोर दिखता है तो उसमें आप ये ऐसे थोड़ा सा फिल कर लें तो ये कवर हो जाता है। जहाँ पर भी आपको ऐसे लग रहा है ये ओपन है थोड़ा, तो आप वहाँ पे इसे लगा कर इसे स्टिक कर दें, कवर हो जाएगा। सो ये देखिए मेरा समोसा रेडी हो गया है। अब मैं ऐसे ही बाकी सारे फिलिंग्स भर के समोसा रेडी कर दूँगी। ये देखिए गाइस मैंने समोसे बना लिए हैं और 1.5 किलो कीमे में मैंने 10 समोसे बनाए हैं। बड़े बड़े हैं उस हिसाब से 10 बने हैं। अब मैं इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दूँगी। और ये जो मैंने भजिए बनाने के लिए कांदा काट के रखा है चॉप करके, इसमें मैं हरी मिर्च काटूँगी अभी। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने 9 हरी मिर्च ले लिया, इसे मैं चॉप करके डालूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डालूँगी एक मुट्ठी भर चॉप करके। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। अभी मैंने इतना ऐड किया है 1 कप के इतना, और इसे मैं जब मिक्स करूँगी तो देखूँगी अगर मुझे और लगेगा तो मैं इसमें और ऐड करूँगी। एकदम से ज़्यादा नहीं ऐड करना है। अब हम इसमें डालेंगे नमक 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं, 1/2 टीस्पून के इतना हल्दी ऐड करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी पहले ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके इसे मिक्स करेंगे, बैटर रेडी करेंगे। गाइज इसमें देखिए बेसन कम है सो मैं वो ऐड करूंगी। और मैंने एक तरफ कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है ताकि जब तक हम ये मिक्स कर लेंगे तो तेल भी गरम हो जाएगा। ये देखिए गाइज ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम भजिए तलेंगे, तेल भी गरम हो गया है सो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए तेल अच्छा गर्म हो तो ऐसे बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तेल काफ़ी अच्छा गर्म था सो आप देख सकते हैं ये कितने जल्दी रेड भी होने लग गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये हो गए हैं अच्छे ब्राउन कलर हो गए, इसे निकाल लेंगे। ये देखिए गाइस भजिए रेडी हो गए हैं और अब हम समोसा फ्राई करेंगे। इसी ऑयल में हम समोसा भी ऐड करेंगे।
गाइस इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे बिकॉज अंदर का जो मटन कीमा है वो हमारा ऑलरेडी कुक्ड है, पका हुआ है, सो हाई फ्लेम पे ये हो जाएगा अच्छे से। ये देखिए गाइस हमारे समोसे और हमारे भजिए दोनों भी रेडी हो गए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे बने, क्रिस्पी है। और ये रमज़ान स्पेशल डिश मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, इसे ज़रूर आप भी रमज़ान में ट्राई करिएगा बनाने के लिए। और ये बहुत ही क्रिस्पी भी बने हैं, आपको मैं अभी समोसा चलिए तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे बने हैं। देखिए बाहर से एकदम क्रंची है और इसे तोड़ के देखिए तो देखिए अंदर से भी अच्छे से है, माशाल्लाह बहुत टेस्टी लगते हैं ये। सो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रमज़ान स्पेशल रेसिपी अच्छी लगी होगी, फिर आऊँगी न्यू रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।